good years. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ के सक्सेस जो है, कामयाबी जो है, वो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मिलती है। उसमें बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रगल होती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है जो उसने स्पेंड किया होता है। उसने अपना जो वो इंसान है वो अपने कम्फर्ट जोन से जो बाहर निकलता है तो उसको सक्सेस मिलती है। जो इंसान कामयाब इंसान होते हैं वो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, मेहनत करते हैं लाइफ में, तो वो ज़िंदगी में मुकाम हासिल करते हैं। एक स्टोरी से मैं इसको आपको समझाना चाहूँगा। स्टोरी ये है कि एक नामवार पेंटर था, पैब्लो पिकासो। वो बहुत ही, उसकी पेंटिंग्स बहुत ही मशहूर थी, ज़माना कदीम की बात है। एक लड़की जो है वो पैब्लो पिकासो को देखा उसने, और उसने कहा ये तो पैब्लो पिकासो है। उसने उसके पास गई और कहा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ दे कि जो मेरे लिए एक यादगार हो, मैं अपने घर वालों को दिखा सकूं, मैं अपने रिलेटिव्स को दिखा सकूं, मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा सकूं कि मैं पैब्लो पिकासो से मिली हूँ। वो पुराना दौर था, मोबाइल नहीं था, तस्वीरों वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था इतना। तो पैब्लो पिकासो ने उसके इंसिस्ट करने के बाद एक 30 सेकेंड्स की उसने स्केच ड्रा की। वो 30 सेकेंड का जो स्केच ड्रा दिया और पैब्लो पिकासो ने उसे दे दिया, कहता कि ये जो है ये मिलियंस डॉलर की जो है वो पेंटिंग है, ये मेरी एक यादगार है। वो लड़की लेके घर आ गई, और जब घर आ गई तो उसने ये सोचा कि पैब्लो पिकासो ने चंद ही 30 सेकेंड्स के अंदर एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो मिलियन डॉलर्स की पेंटिंग है, तो मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता, मैं चले 2-3 मिनट में मैं ऐसी पेंटिंग बना लूँगी। उसको सारी रात नींद नहीं आई। सुबह उठी, उसने देखा कि जो है उसको पता चला कि पैब्लो पिकासो की फलां जगह पर एक एग्जीबिशन है, उसने अपनी पेंटिंग को वहाँ पर नुमाइश के लिए पेश करना है। तो वहाँ पहुँच गई, और जब पहुँची तो जब वो फारिग हो गया पैब्लो पिकासो अपने काम से, उसने उससे मिली तो उसने पूछा कि पैब्लो पिकासो आपने मुझे पहचाना है? उसने कहा जी जरूर, आपने मुझसे कल जो वो है वो एक स्केच ड्रा करके दिया था मैंने आपको। उसने कहा कि मुझे भी, क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं कि मैं चले 30 सेकंड में नहीं तो 2-3 मिनट में, कोई एक दिन में कोई ऐसा स्केच बनाऊं जिससे मैं भी इतने पैसे कमा सकूं, मैं भी कोई $1000 ही सही तो मैं मिलियन नहीं तो $1000 ही कमा सकूं। तो पैब्लो पिकासो ने एक बात कही, उसने कहा कि इस 30 सेकंड की पेंटिंग के पीछे मेरी 30 साल की मेहनत के बाद मैं इस काबिल हुआ हूँ कि 30 सेकंड की पेंटिंग बनाऊँ और स्केच बनाऊँ या पेंटिंग बनाऊँ तो वो मिलियन ऑफ डॉलर उसकी प्राइस। तो जनाबे आलिम, इस स्टोरी को सुनाने का मकसद ये था कि हमारे माशरे में बहुत सारे लोग जो हैं वो पैब्लो पिकासो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उस लड़की की तरह हैं, बहुत सारे लोग जो है शॉर्ट कट ढूंढते हैं, वो ये नहीं सोचते कि जो बंदा एक सक्सेसफुल है उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है। तो इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन सोसाइटी, वांट टू मेक अ प्लेस इन सोसाइटी, आपने क्या करना है, आपने अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना है, आपने अपनी जो है उस सहूलियात से आपने एक लर्निंग करनी है, तो आपको जो है वो अपने आप को मुश्किल में डालना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर ही आप माशरे में अपना मुकाम बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बिजी उस्ताद, ताकि आपको मजीद मोटिवेशनल वीडियोज़ जो हैं वो आपको वक्त के साथ साथ मिलेंगे। थैंक यू।